हेलो मैं एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा एक प्राचीन प्रार्थना के विषय में, जिसे यहूदी हजारों हजार साल से कर रहे हैं। और हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है, खुदा के ऊपर ईमान रखता है, उसे इस प्रेयर को ज़रूर करना चाहिए और अपने दिन की शुरुआत इस प्रेयर से करनी चाहिए, इस प्रार्थना से करनी चाहिए। क्योंकि जब आप इस प्रेयर को करते हैं और आप जब इसके मायनों को जानते हैं, तो आपको ये भी पता चलता है कि परमेश्वर आपके प्रति कितना वफादार है, हमें कितना परमेश्वर के प्रति वफादार होना चाहिए और परमेश्वर का कितना धन्यवाद है कि उसने हमें जीवन दिया है। इस प्रार्थना को मोदे अनी बोलते हैं। ये शहरित मतलब कि सुबह की दुआओं में से एक दुआ है जो यहूदी समाज में, और हर एक यहूदी अपनी दिन की शुरुआत इस दुआ से, इस प्रार्थना से करता है, जिसे इब्रानी में बोला जाता है मोदे अनी ले फनाइखा मलेख काई वखायाम शेख हजारता बी निश्मतेई बेखे माला रबा अमून तक। अब इसका मैं आपको हिंदी तर्जुमा बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई लड़की या फीमेल जब इस प्रेयर को करे तो उसे मोदे की जगह मोहदा बोलना है, क्योंकि इब्रानी ग्रामर के मुताबिक मेल और फीमेल को इस प्रेयर करने के लिए इन दो शब्दों का चयन करना ज़रूरी है जो मेल और फीमेल के लिए है। प्रियो, इस प्रेयर का, इस प्रार्थना का, इस दुआ का जो तर्जुमा है, जो अनुवाद है, वो ये है कि हे अनंत जीवित राजा, मैं आपके सम्मुख अपना धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपनी दया के द्वारा मुझे प्राण दिया है। आपकी वफादारी प्राचुर है, आमीन। इस प्रेयर से, इस प्रार्थना से हम ये सीखते हैं कि जो अनंत मतलब कि सदा काल का, हमेशा का हमारा बादशाह है, हमारा राजा है, जो कि अनंत काल तक जीवित है, हम अपना धन्यवाद, अपना शुक्रिया उसके सम्मुख या उसके चरणों में या उसके सामने देते हैं कि उसने हमें अपनी दया के द्वारा प्राण को दिया है, मतलब कि हमारी जिंदगी को दिया है। आप जानते हैं कि हर रोज जब आप सोते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि आप कब उठेंगे और आप क्या उठ पाएंगे, इसका भी इल्म आपको नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी हमारे बस में नहीं है। इस जिंदगी को देने वाला हमारा खुदा है, एलोहीम है, जो हर रोज अपनी वफादारी से, जो कि प्राचुर है मतलब कि भरपूर है, उससे हमें प्राण देता है, हमें जिंदगी देता है, और हम अपने दिन की शुरुआत उसको धन्यवाद करके करें, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें बिना मांगे अपनी दया के द्वारा फिर से एक बार जीवन दिया है। हर रोज जब आप सो करके उठते हैं तो आपके लिए वो आपकी जिंदगी का एक नया दिन होता है और एक नई शुरुआत होती है। आप सबको अब्राहम इसहाक इसराइल का एलोहीम आशीष दे। आप सबको शलोम।